एक के बाद एक ऐसी खबरें जो दिल को दहला देंगी, एक के बाद एक ऐसे समाचार जो आपको डरा देंगे, क्योंकि बढ़ रहा है क्राइम और वो भी आप तक पहुंच रहा है। यूपी के बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के बुगरासी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते युवक की बहरहमी से जो हत्या कर दी गई थी, सरे बाजार सड़क पर युवक की हत्या की गई थी, उसके बाद दहशत का माहौल था तो बुगरासी पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर ये बेरहम हत्या की गई थी। दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाई थी और इसके बाद फरार हो गए थे। मामला बीती रात 9 बजे का बताया जा रहा है। युवक को घर से फोन करने के लिए बुलाया और सरेआम उसकी हत्या कर दी गई, सीने में चाकू से वार किए गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसी मामले को लेकर पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं परिजनों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने गांव के ही चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीती रात थाना नरसेना के बुगरासी गाँव में एक व्यक्ति जिसका नाम रईस आजम है, उम्र लगभग 32 वर्ष है, उसके द्वारा रफीक नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जो मूल कारण था कि मृतक की भतीजी का इलिसिट रिलेशन अभियुक्त के साथ था। मृतक बार बार इस बात को मना करता था, संभवतः इसी रंजिश को लेकर के अभियुक्त रईस द्वारा ये घटना की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल जो घटना में प्रयोग हुआ चाकू था वो बरामद कर लिया।